बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। व्यूवर्स, आज जो आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो जी बड़ी मज़े की, और देख लें थोड़े से कम मिसालों में जो मैंने के आज बनानी है। तो व्यूवर्स, आज जो रेसिपी है, यानी कि मैं जब बचपन में खाती होती थी तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने ट्राई की तो मुझे लगा कि इसका ये यानी कि अच्छा मेथड है, मैंने खुद से ट्राई की। तो हम बना रहे हैं जी अरवी गोश्त। बड़े मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अरवी गोश्त का नाम भी नहीं सुना होगा। तो आप मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बड़ी पसंद आएगी। तो ये देखें जी, चलें हम पहले ये चीज़ें बता देती हूँ। ये दो हरी मिर्चें आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं, स्पाइसेस और नमक जो होता है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से लिया करें व्यूअर्स। ये दो हरी मिर्चें हैं, ये धनिया, ये एक प्याज़ है, ये एक टमाटर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। ये अदरक लहसुन का पेस्ट आपने थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। ये जी वही मेरा मसाला है, इनके अंदर नमक होता है, नमक मैंने सेपरेट नहीं लिया क्योंकि मैंने अरवी को भी नमक लगाया हुआ है। तो ये देखें जी, ये 1 चम्मच जो है ना, ये मेरा लाल मिर्चों का मसाला 1 चम्मच है, ये गर्म मसाला है बस 1 चम्मच। ये 300 ग्राम चिकन है, और ये आधा किलो यानी कि 500 ग्राम जो अरवी थी उसको जब मैंने छील छूल के साफ़ किया तो मैंने इसका वेट किया 400 ग्राम रह गई थी पीछे। तो इसको व्यूवर्स देखें, लेस सी बनती होती है, लोग कहते हैं ये हमें पसंद नहीं है, ऐसे अजीब सी बनती है, चिपचिपी सी, तो इसका क्या हल है व्यूवर्स? ये देखिए, आप देख रहे होंगे अरवी, इसके ऊपर ना मैंने नमक और आटा लगाया है। नमक और आटा आप लगा के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ये आप देख लें, ये आप देख सकते हैं नमक, और इस तरह आप मलेंगे इसको, एक एक पीस आपने मसल के मल के फिर इसके ऊपर से नमक और आटा उतारना है। व्यूवर्स यकीन करें, आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी अरवी कभी भी जो है ना वो ऐसे देखें चिकनाई और लेस वगैरह नहीं बनेगी। तो एक इसकी जो है मेन बात व्यूवर्स, मैंने इसको नमक लगाया है, जो अरवी होती है ये नमक को बड़ी जल्दी अब्सॉर्ब करती है। आपने इसके अंदर नमक जो है ना, जब सालन बनाना है नमक आपने ऐड नहीं करना, नमक आपने जब सारा कुछ भून लेना है, चिकन के साथ अरवी को भून लेना है, पानी लगाएंगे, पानी को बॉयल आएगा तो लास्ट पे आपने जो नमक है ना वो इसमें डालना है। तो चलें व्यूवर्स जी, आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से मलूँगी, मलने के बाद ये देखें इस तरह इसकी लेस सी बन जाएगी। जब मैं इसको पकाऊंगी तो ये मैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने इसको ये एक एक जो पीस है इसका, इसको मैंने ऐसे ही हाथों से मसल के, मसलने के बाद मैंने 5 मिनट मज़ीद इसको छोड़ देना है, उसके बाद फिर एक बार मल के मैंने 7-8 पानियों से धोना है, तो फिर जाके इसकी चिकनाई जो है ना वो निकलेगी। तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको पार्ट दिखा दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें घी भी डाल दिया और प्याज भी। आप यकीन करें ये अरवी इतनी मज़े की बनती है ना, इतनी टेस्टी बनती है, आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी ऐसी अरवी नहीं खाई होगी, ये इंतहाई टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप एक बार इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप एक बार क्या उसको ऐसे अपने मेन्यू में शामिल करेंगे कि आप कहें दुआएँ देंगे मुझे, यानी कि साफ लफ्ज़ों में जो मैं कहना चाह रही हूँ, इतनी मज़े की बनती है, इतनी टेस्टी बनती है। एक्चुअली मेरे घर में कोई खाता नहीं है, मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं भी बहुत जब भी मेरा दिल करता है फिर मैं स्पेशल अपने लिए बनाती हूँ। तो आप जिसको नहीं भी पसंद, आप एक बार उसको बना के खिलाएं, इंशाल्लाह आपको वो दुआएं देगा, इतनी मज़े की होती है। और वैसे भी कोई भी ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आप यकीन करें ये तो हमारी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है अरवी। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसमें टमाटर डालने लगी हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सिर्फ 1-1/2 मिनट बना के उसके बाद फिर मैं उसमें मिर्चें डाल दूंगी। ये मैं इसमें मिर्चें डाल रही हूँ, ये देखें जी, अच्छे से हल करें 1-1/2 मिनट। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, ये देखें जी, और इसी स्टेज पे साथ ही चिकन डाल दें, क्योंकि आपको पता है चिकन जब इसको मैंने वेट लगाना होता है तो फिर वो सारा कुछ अंदर पक पुक जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए बेसिकली ये करती होती हूँ ताकि इजी चीज़ें लेके आऊँ, आप लोगों को बनाने में आसानी हो। व्यूवर्स, जैसे इसका घी ऊपर आता है फिर हम इंशाल्लाह इसमें थोड़ा पानी लगा के वेट लगा देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम 10 मिनट बाद। देखिए जी, चिकन हमारा पूरे 10 मिनट जो है ना वो गुजर चुके हैं, अभी इसमें पानी है, जब इसमें व्यूअर्स घी आ जाएगा अरवी मैंने तब डालनी है। और ये आप देख सकते हैं अरवी मैंने वॉश कर ली है, ये देखें कुछ भी चिकनाई नहीं है इसमें।
तो व्यूवर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अरबी की एक और आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी, वो बड़ी मज़े की बनती है। मुझे बेसिकली ना ज़्यादातर जो पसंद है वो शुरमे वाली अरबी पसंद है, जैसे कि जो आज हम बनाने लगे हैं। तो एक और अरबी होती है वो ड्राई ड्राई होती है, वो बड़ी मज़े की बनती है इंशाल्लाह, वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगी रेसिपी। देखिए व्यूवर्स, मैं चाह रही हूँ मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊँ जो यानी कि हर वक्त हम लोग घर में यानी कि बनाते होते हैं। तो हर घर में आपको पता है चिकन भी डेली नहीं बनता, आप इसकी जगह चिकन की जगह आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आलू के साथ लेके आऊँगी, जल्दी हाजिर हो जाऊँगी। बस ये देखें जी, घी आना स्टार्ट हो गया और मैंने इसमें अरबी जी डाल दी हुई है। तो इसको हम कोई 5 मिनट जो है ना हल्का सा घी के अंदर, इसी घी के अंदर मसाले के अंदर फ्राई करने देंगे, और फ्राई करने के बाद हम पानी लगा के इसको 10 मिनट के ना दम पे रख देंगे। वेट नहीं लगाऊंगी मैं इसको, वैसे ही दम पे रख दूंगी। तो अभी इंशाल्लाह व्यूवर्स मैं हाजिर होती हूँ 10 मिनट बाद। व्यूवर्स जी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बुनाई हो चुकी है, मैंने पूरे 10 मिनट बुनाई की है, और देख लें ज़रा भी इसमें वो लेस जो चिकनाहट सी होती है ज़रा भी नहीं है। तो ये इसमें मैं पानी डाल रही हूँ जी, ये देखें व्यूवर्स, अब इसी तरह ना मैंने इसको 10 मिनट जो है वो वेट पर रख दिया। तो इंशाल्लाह मैं 10 मिनट बाद हाजिर होती हूँ। ये देखिए जी, ये चिकन और अरबी बन के रेडी हो चुके हैं 10 मिनट बाद, यानी कि इसकी ऐसी शक्ल थी। और ये देखें जी, ये मैंने हरा धनिया डाल दिया, ये ऊपर से गरम मसाला मैंने डाल दिया, और ये जी हमारी अरबी गोश्त ना बन के रेडी हो चुका। तो मैं चूल्हा कर दूँगी बंद अब, तो अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। जी हमारा अरबी गोश्त बन के रेडी हो चुका है, इसे प्लीज़ लाजमी ट्राई करें, शोरबे वाला है, बहुत ही मज़े का बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा अरबी गोश्त जो है ये शोरबे वाला भी बन सकता है, बहुत ही मज़े का बना है, बड़ा टेस्टी है, इसको लाजमी ट्राई करें। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।